Cross examination of a fake FSL witness. आज हम फिर पुराने कोर्ट केसेस के एक दृष्टांत को व्यूअर्स के लिए प्रस्तुत करते हैं यह है एक असाधारण केस था जिसमें से हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं बेशक हम एडवोकेट्स हो या साधारण जन हो एफ विटनेस ने अपनी दो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी पहली रिपोर्ट जिसे हम ए कह सकते हैं रिपोर्ट ए जिसे स्पॉट ऑफ अकरेंस से प्राप्त किया हुआ कहा गया था और दूसरी रिपोर्ट जिसे हम रिपोर्ट बी कह सकते हैं उसे अभियुक्त के ब्लड सैंपल सैंपल से तैयार किया गया था दोनों के बाद में विटनेस का निष्कर्ष था कि दोनों डीएनए प्रोफाइल्स एक ही व्यक्ति के हैं अर्थात जो डीएनए प्रोफाइल पॉट ऑफ अकरेंस से मिले डीएनए सैंपल का था वही डीएनए प्रोफाइल बाद में आरोपी के ब्लड सैंपल से तैयार डीएनए का था उनका यह कहना था कि आरोपी ही दोषी है जब यह गवाह एफ से आकर कोर्ट में इसने अपनी गवाही दी तो फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया उससे पूछा गया कि भारत में डीएनए प्रोफाइल्स मैच करने के लिए कितने डीएनए मार्कर्स या जिन्हें हम अलील्स भी कहते हैं कितने अलील्स का प्रयोग किया जाता है उसने बताया कि 16 अलील्स होते हैं तो डिफेंस काउंसिल ने पूछा उनके नाम बताओ वह घबरा गया मुझे सोलह नाम कंठस्थ थोड़े ही याद होंगे डिफेंस काउंसिल ने उसके सामने वे सोलह डीएनए मार्कर्स के नाम कागज पर लिखकर रखे आप उन्हें स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे ये वो सोलह मार्कर्स हैं जो किसी भी डीएनए प्रोफाइल्स को जांच करने के लिए जिनको हम मैच करते हैं तो डिफेंस काउंसिल साहब ने पूछा कि बताओ यही सोलह मार्कर्स होते हैं अब उस गवाह के पास कोर्ट में झूठ बोलने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचा हुआ था उसने माना कि हाँ वही सोलह डीएनए मार्कर्स होते हैं जिनको कम्पेयर किया जाता है डिफेंस काउंसिल उस विटनेस से पूछा अपनी रिपोर्ट में दोनों में से किसी में भी वह स्थान दिखाओ जहां आपने इन 16 डीएनए मार्कर्स या एलील्स को एक दूसरे के साथ मैच किया हो जो स्पॉट ऑफ अकरेंस से मिले थे और जो ब्लड सैंपल से तैयार किए गए थे दोनों सैंपल्स के एलील्स एक ही जैसे हैं और मैच कर रहे हैं यह आपकी रिपोर्ट में कहां लिखा हुआ है वह झूठा एफएसएल विटनेस चकरा गया उसने कहा कि ऐसा तो मैंने रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है लेकिन मेरी पर्सनल वर्कशीट में लिखा रखा हुआ है डिफेंस काउंसिल ने उससे फिर पूछा कि ऐसा कोई कारण क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बताया जिसके आधार पर आपने वह एनालिसिस जिसमें सोलह मार्कर्स लिखे हुए थे अपने पर्सनल फाइल में रख छोड़ा और यहां कोर्ट के सामने आने से रोक दिया वह गवाह झूठा तो था ही कोई जवाब नहीं दे सका और कोर्ट ने इस बात को नोट कर लिया डिफेंस काउंसिल साहब ने आगे अपना क्रॉस एग्जामिनेशन जारी रखा उन्होंने पूछा कि दोनों सैंपल्स यानी कि जो स्पॉट ऑफ अकरेंस से मिला और जो ब्लड सैंपल से डेवलप हुआ जब उन दोनों सैंपल्स को कंपेयर किया गया तो क्या आप उस समय में तैनात थे रोहिणी हाँ, में डिपोजिट तो करवाया गया था जो ब्लड सैंपल्स थे और जो स्पॉट ऑफ वाले थे दोनों को ही उसने कहा हाँ वही रोहिणी में जमा करवाया गया था तो डिफेंस काउंसिल साहब ने पूछा कि आर एफ एस एल चाणक्य पुरी की तैनाती के दौरान आप एफ एस एल रोहिणी के सैंपल का डीएनए एनालिसिस कैसे कर सकते हो आप तो उस सेंटर पर पोस्टेड नहीं थे जब उस सेंटर पर पोस्टेड नहीं हो तो उस सेंटर के डीएनए सैंपल को कैसे एनालाइज कर सकते हो जरा ये मुझे बताओ उसने कहा नहीं मैं कर सकता हूँ डिफेंस काउंसिल साहब ने आगे पूछा तो क्या आपको इस बात के लिए कोई ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ ऑथोराइजेशन मिला था वह गुनगुन गुनमुन करने लगा तब तक जज साहब भी समझ चुके थे कि कुछ तो है जो यह एफ एस विटनेस छिपा रहा है जज साहब ने कड़ाक आवाज में पूछा ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ ऑथोराइजेशन मिला था या नहीं मिला था हाँ मैं बताओ घी तो गया उसने कहा आ, हा, 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 नहीं मिला था डिफेंस काउंसिल ने क्रॉस एग्जामिनेशन को आगे बढ़ाया क्या यह बात सही है कि सभी बॉडी फ्लूड को पहचानने के लिए अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं जिन्हें सरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं एफ एस गवाह ने कहा हाँ यह सही है तो डिफेंस काउंसिल ने आगे पूछा क्या यह बात भी सही है कि सीमेन के सरोलॉजिकल टेस्ट के नाम ये वाले हैं जो मैं बता रहा हूं तो उन्होंने फिर उनसे पांच नाम पूछे जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे इस समय ये टेस्ट थे एसिड फोस्पेटिज टेस्ट प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट क्रिसमस ट्री टेस्ट और आर एस आई डी रैपिड सीमेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट गवाह ने कहा हाँ ये सीमेन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं तो तो डिफेंस काउंसिल साहब ने पूछा क्या इन पांच के अलावा और भी कोई ऐसा टेस्ट है जो आप सीमेन आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं उसने कहा कि हम माइक्रोस्कोपिक एंड डीएनए एग्जामिनेशन का भी टेस्ट करते हैं अब इस समय तक डिफेंस काउंसिल जो थे वो निर्णायक प्रहार करने के लिए तैयार हो चुके थे उन्होंने कहा मैं देखिए रिपोर्ट में लिखा है कि ह्यूमन सीमेन वॉज डिटेक्टेड फ्रॉम द स्पॉट ऑफ अकरेंस अब उन्होंने विटनेस से सवाल किया अपनी रिपोर्ट को देखकर आप बताइए कि इस रिपोर्ट में आपने सीमेन आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा सेरोलॉजिकल टेस्ट किया था और आपकी रिपोर्ट में वह कहां लिखा हुआ है पांच टेस्ट जो मैंने नाम बताए, एक टेस्ट जो आपने नाम बताया इन छह में से आपने किस टेस्ट का नाम अपनी रिपोर्ट में लिखा है जिसके आधार पर आपको पता लगा कि वहां से ह्यूमन सीमन डिटेक्ट हुआ है इतना सुनना था कि इस झूठे विटनेस की जबान सूख गई वह बोला नहीं तो डिफेंस काउंसिल साहब ने कोर्ट में जज साहब की ओर देखा तो कोर्ट ने डांट के पूछा क्या तुमने सवाल सुन लिया है जी हाँ जी हाँ जी हाँ मैंने सुन लिया है तो फिर जवाब क्यों नहीं देते बोलो टेस्ट का नाम कहाँ लिखा है सर्वे तो हमने लिखा नहीं है कोर्ट को उसके झूठ से गुस्सा आ चुका था तो क्या तुम सिर्फ देखकर और बिना टेस्ट के बता सकते हो कि दाग किस चीज का है ह्यूमन सीमेंट का है कि ह्यूमन सलाइवा का है गवाह गिड़गिड़ाने लगा नहीं सर बिना टेस्ट के तो नहीं बताया जा सकता तो कोर्ट ने पूछा टेस्ट बिना टेस्ट के बताया नहीं जा सकता और टेस्ट तुमने किया नहीं कहाँ लिखा है इसमें अब पूरी कोर्ट का माहौल बदल चुका था गवाह की झूठी गवाही स्पष्ट हो चुकी थी लेकिन डिफेंस काउंसिल को तो अभी और भी सत्य उद्घाटित करने थे क्योंकि अपने मुलजिम को आरोपी को झूठे गवाह से बचाने के लिए उन्हें कुछ और बातें भी साबित करनी थी उन्होंने आगे पूछा गवाह महोदय यदि स्पॉट ऑफ अकरेंस की रिपोर्ट रोहिणी में थी और आपकी तैनाती चाणक्यपुरी में थी तो मेरा कहना है कि आप चाणक्यपुरी में तैनात होते हुए रोहिणी के डेटाबेस तक आपकी कोई पहुंच नहीं थी कोई एक्सेस नहीं था उसने कहा नहीं हम तो सभी जगह के एक्सेस कर लेते हैं डिफेंस काउंसिल साहब ने पूछा क्या कोई ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ अथोराइजेशन आपके पास था कि चाणक्यपुरी में बैठकर रोहिणी के डेटा को आप मैच कर सकें डेटा तो मैच नहीं हुआ होगा पुराना डेटा रोहिणी में था और आप चाणक्यपुरी में थे इस गवाह ने जो जवाब दिया उससे पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया उसने खुद कबूल कर लिया एक तरह से कि वह इस केस के जजमेंट को गलत तरीके से प्रभावित करना चाहता था उस गवाह ने बताया कि जब मैं रोहिणी से चाणक्यपुरी में ट्रांसफर हुआ था तो इस केस का डेटा अपने साथ ले आया था डिफेंस काउंसिल उस गवाह की झूठी गवाही की चिता जलाने को तैयार हो गए उन्होंने पूछा एक स्थान का पब्लिक डेटा आप दूसरे स्थान पर ले गए थे क्या इसके लिए आपने किसी से कोई परमिशन ली थी किसी अथॉरिटी से क्या आपने उस पब्लिक अथॉरिटी को बताया था कि आप पब्लिक डेटा को गैर कानूनी तरीके से ले जा रहे हैं गवाह बोला इसमें पूछने की क्या बात थी मेरा डेटा था मैं ले जा रहा था और मैं ले गया डिफेंस काउंसिल ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इस गवाह के इस जवाब को नोट कर लिया जाए जो कि कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो यहां इस क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है पहली तो यह है कि ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने केवल एक सीआरपीसी की रिपोर्ट होती है जिसे चार्जशीट कहते हैं कोई भी ट्रायल कभी भी चार्जशीट के बाहर नहीं जा सकता है इसलिए जो बात या एलिगेशन चार्जशीट में नहीं है वो कभी भी आरोपी के खिलाफ कंसीडर नहीं किया जा सकता है इसका कारण है कि चार्जशीट को सर्वशक्ति संपन्न स्टेट के द्वारा फाइल किया जाता है स्टेट ने जो कर दिया कोई भी उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो स्टेट के द्वारा जो भी चार्जशीट के रूप में फाइल प्रस्तुत की गई है कोई भी ट्रायल या कोई भी जज या कोई भी कोर्ट उससे बाहर नहीं जा सकता है दूसरा कोई गवाह खास तौर से डॉक्टर या एफ के एक्सपर्ट्स या ऐसे ही दूसरे एक्सपर्ट्स जो सेक्शन 293 सीआरपीसी में बुलाए जाते हैं वे कई बार आकर कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट का बाकी भाग या डिटेल तो हमारे ऑफिस में है हम कल लाकर दे सकते हैं या हम बाद में लाकर दे सकते हैं तो ये सारी बातें इलीगल है वो ट्रायल में की नहीं जा सकती है क्योंकि जो भी प्रोसिक्यूशन को आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत करना था वह चार्जशीट में कर दिया जा चुका है कोई भी चार्जशीट से ऊपर जाकर किसी आरोपी के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकता है तो ये अगर अपनी रिपोर्ट्स को अपनी शीट्स को घर पर रखे होते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है उससे आरोपी को हमेशा लाभ मिलता है क्योंकि जो चीज कोर्ट के रिकॉर्ड में होनी चाहिए जो कोर्ट की फाइल में होनी चाहिए वह डॉक्टर के घर पर रखी है तो उसका मतलब है कि उसमें अवश्य कुछ बात ऐसी थी जो डॉक्टर छिपाना चाहते थे अब मुख्य बात जो कुछ भी कोर्ट के सामने नहीं है ये मैं तीसरी बात कर रहा हूं जो कुछ भी कोर्ट के सामने नहीं है कोर्ट उस पर अपना फैसला नहीं सुना सकता है यदि डीएनए एनालिसिस की डिटेल्स कोर्ट के सामने नहीं है तो कोर्ट को यह पता लग ही नहीं सकता कि कौन कौन से अलील्स डेवलप हो पाए और कौन कौन से अलील्स मैच हो पाए यदि यह डिटेल्स कोर्ट के सामने नहीं है तो कोर्ट यह मानेगा कि ऐसी कोई डिटेल्स है ही नहीं क्योंकि यदि होती तो पक्का प्रोसिक्यूशन उन्हें जुडिशियल रिकॉर्ड पर लगवा देता जो एडवोकेट मित्र इस वीडियो को देखेंगे वे इस बात को जरूर जानते होंगे लेकिन मेमोरी रिफ्रेश के लिए उन्हें साथ ही सेक्शन 101 से सेक्शन 114 तक इंडियन एविडेंस एक्ट को भी दोबारा देख लेना मुनासिब रहेगा उससे उनकी वो सब बातें ताजा हो जाएंगी उसमें वहां सब ये दिया गया है कि किसी बात को साबित करने का ऑनर्स किसके ऊपर रहेगा कोई डॉक्यूमेंट जब जिसके कब्जे में होगा ऑनर्स उसी के ऊपर रहेगा प्रेजम्स क्या होंगी वो सारी की सारी बातें सेक्शन 101 से लेकर 114 वन फोर इंडियन एविडेंस एक्ट तक में दी गई हैं और उसको थोड़ा सा ध्यान से पाल लिया जाना चाहिए हम आगे भी इसी तरह की वीडियोज कोर्ट केसेस से संबंधित आपके सामने लाते रहेंगे तब तक के लिए प्रणाम